हेलो एस पेरेंट्स वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो स्वागत है आपका क्यू स्टडी चैनल पे तो जैसे कि आप लोगों में से काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि आपको एच पी जी के की क्लासेस चाहिए तो आज से आपके एच पी जी के की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो आज हम पढ़ेंगे एचपी जी के का बेसिक तो स्टार्ट करते हैं क्लास को तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल फीचर्स ठीक है जो इसके भूगोलिक विशेषताएँ हैं वो पढ़ेंगे हम हिमाचल की ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल लिटरली मीन्स लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स ठीक है तो हिमाचल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है बर्फीले पहाड़ों वाली भूमि ठीक है हिमाचल ठीक है हिमाचल नोन एज देवभूमि टू द एशियंट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयस ठीक है हिमाचल को क्या बोला जाता था एशियन टाइम्स में देवभूमि आज भी बोलते हैं ठीक है थीके? लेकिन जो पुराने लोग थे वो उसे देवभूमि बोला करते थे ठीक है और वो कहाँ पे है पश्चिमी हिमालय में है इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयस टू द नॉर्थ लाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो इसके जो उत्तरी भाग में है वो कौन से स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर है उत्तराखंड इन साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तराखंड है हरियाणा ऑन द साउथ हरियाणा जो है वो दक्षिण में है और पंजाब ऑन द वेस्ट पंजाब कहाँ है पश्चिम में है ठीक है वेयर एज ऑन द ईस्ट इट फॉर्म्स इंडिया बॉर्डर विद तिब्बत ठीक है अपने पूर्व में ये बाउंड्री बनाता है किसके साथ तिब्बत के साथ बनाता है ठीक है द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिक्सटी हंड्रेड मिलीमीटर ठीक है यहाँ का जो प्रतिवर्ष औसत है बारिश होने की वो कितनी है सोलह सौ मिलीमीटर है ठीक है तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं Next, है हमारे पास हिमाचल प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ज़ोन्स ठीक है हिमाचल प्रदेश को क्या है तीन जो है क्षेत्रों में जो है बांटा गया है ठीक है फर्स्ट है हमारे पास द लोअर हिल्स ठीक है जो निचली पर्वतीय इलाके हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है द लोअर हिल्स कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हमीरपुर उन्ना, बिलासपुर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ मंडी सोलन एंड सिरमौर आर नोन एज शिवालिक हिल्स ठीक है तो जो लोअर हिल है जो निचले ही पहाड़ी इलाके हैं उनमें क्या क्या आता है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आती है उन्ना बिलासपुर ठीक है और जो मंडी सोलन और सिरमौर के जो निचले भाग है उनको क्या बोला जाता है शिवालिक हिल्स बोला जाता है ठीक एनुअल रेनफॉल इन दिस जोन वेरिज फ्रॉम फिफ्टीन हंड्रेड मिलीमीटर टू 1800 हंड्रेड mm, मिलीमीटर ठीक है तो यहाँ जो प्रतिवर्ष जो रेनफॉल की औसत है वो कितनी है पंद्रह सौ मिलीमीटर से अठारह सौ मिलीमीटर तक ठीक है दिस एरिया इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेज व्हीट जिंजर शुगर केन पैडी टेबल पोटेटोज एंड सिट्रस फ्रूट तो ये जो निचली पर्वतीय इलाके हैं ये मक्के गेहूं अदरक गन्ना ठीक है इन सब की खेती के लिए क्या होता है बहुत ही ज्यादा जो है सुटेबल होता है तो एशियन शिवालिक हिल्स वर नोन एज मानत पर्वत ठीक है तो पुराने टाइम के जो लोग थे वो शिवालिक हिल्स को क्या बोला करते थे क्या माना करते थे मानक पर्वत बोला करते थे ठीक है मानक पर्वत नेक्स्ट है हमारे पास द इनर हिमालयस और मिड माउंटेन्स ठीक है जो अंदर ही हिमालय वाले इलाके हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है इन दिस जोन फॉल्स अपर पछाड़ एंड अपर पार्ट ऑफ चुरा तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो इस क्षेत्र में जो हमारे एरियाज आते हैं वो कौन कौन से है पछाड़ और रेणुका तहसील आती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ठीक है चिचूट एंड करसोक तहसील आती है मंडी डिस्ट्रिक्ट की ठीक है कांगड़ा और पालमपुर तहसील के जो ऊपरी इलाके हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के वो आते हैं ठीक है अपर शिमला हिल्स आता है ठीक है अपर पार्ट ऑफ चुराह तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ठीक है चुराह तहसील जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के उसके ऊपरी इलाके आते हैं ठीक है थीके? दिस स्टोन इज यूजफुल फॉर सीड पोटैटो टेम्परेट fruits, स्टोन फ्रूट एंड सॉफ्ट फ्रूट्स ठीक है तो ये बोल रहा है जो ये वाला क्षेत्र होता है हिनर हिमालय वाला ये किसकी खेती के लिए अच्छा होता है सीड पोटैटो जो बीज वाले जो क्या होते हैं आलू होते हैं ठीक है टेम्परेट फ्रूट होते हैं जो माइल्ड से टेम्परेचर पे जो ग्रो करते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे ने पास स्टोन फ्रूट स्टोन फ्रूट होते हैं आपके जैसे पीच हो गया प्लम हो गया ठीक है सॉफ्ट फ्रूट होते हैं आपके पास जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया ठीक है तो इन सब की खेती के लिए ये जो जोन है ये बहुत ही यूजफुल रहता है ठीक टू फेमस रेंजेस ऑफ लेसर हिमालय आर तो यहाँ की तो इस जोन की जो फेमस दो रेंजेस है ठीक है वो कौन है कौन सी श्रेणियां है द पीर पांजल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ठीक है पीर पंजाल चंबा डिस्ट्रिक्ट की पीर पंजाल जो रेंज है वो फेमस है ठीक है और धौलाधार जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है वो फेमस है ठीक है पीर पंजाल एंड धौलाधार नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रेटर हिमालय और अल्पाइन जोन ठीक है जो ग्रेटर हिमालय है और जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है ठीके? तो दिस जोन दिस जोन कंप्राइजेस किनौर डिस्ट्रिक्ट पांगी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड एरियाज ऑफ लाहौल स्पीति ठीक है तो इस क्षेत्र में जो एरिया रहते हैं वो कौन कौन से हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आती है ठीक है पांगी तहसील आती है चंबा डिस्ट्रिक्ट की ठीक है और लाहौल स्पीति के जो एरियाज है वो आते हैं ग्रेटर हिमालय और एल्पाइन जोन में ठीक है द रेनफॉल इज कैंटी इन दिस जोन ठीक है तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है ठीक है क्लाइमेट इज टेम्परेट इन समर एंड सेमी आर्किटिक इन विंटर ठीक है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है माइल्ड रहता है ठीक है समर में जो है ज्यादा ना ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है ठीक है और सेमी आर्किटिक रहता है विंटर में ठीक है और थोड़ा सा ठंडा रहता है कब विंटर्स में ठीक है क्लाइमेट एंड सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ड्राई फ्रूट्स ठीक है तो यहाँ का जो क्लाइमेट है और जो यहाँ की मिट्टी है वो कैस बहुत ही अच्छी है किसकी खेती के लिए ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा क्लाइमेट और सॉइल है यहाँ का इस जोन का ठीक है द ग्रेटर हिमालय और एल्पाइन जोन आज की क्लास में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा हिमाचल प्रदेश के जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में तो अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर बताइएगा तो फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे क्लासेस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो तो मच फॉर वॉचिंग